आजादी बचाओ न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज नगर सेविका वाहिदा भंडारी मैडम द्वारा जीजा माता और दवाखाना और सुभाष गार्डन को महापालिका उपायुक्त धनराज पांडे को बुलाकर दोनों जगह का हाल दिखाया और यहाँ की जो कमियां हैं उसको पूरा करने का महापालिका उपायुक्त ने वादा किया कि बहुत जल्द यहाँ की जो कमियां हैं उसको पूरा करेंगे। इस समय आरोग्य अधिकारी दूध भाते, डॉक्टर मुलानी, डॉक्टर जमकंटी, स्टाफ नर्स कोमल जादव, योगिता ANM, ज्योति ANM लोहार, JNM विजय, सूरज, केदार, किशोर कांबड़े उपस्थित थे। देखिए आजादी बचाओ न्यूज चैनल की एक रिपोर्ट। फ्राइडे को बच्चों को डोज पिलाते हैं, टीकाकरण डोज, BCG इंजेक्शन वगैरह देते हैं, तो अंदर बहुत रश होता है पूरा रूम भर में, तो बाकी जो लेडीज हैं तो यहाँ बाहर तक आती पूरी जगह, तो धूप और बारिश आती कभी कभी, तो पत्रे का शेड मारने के लिए बोले हम उपायुक्त, तो हमने कहा कि यहाँ पर पत्रे का शेड होना बहुत ज़रूरी है, और वो जो टॉयलेट बाथरूम है उसको दरवाजे नहीं है और वो लेडीज यूज़ करते हो, तो एक प्रॉब्लम है। अपने हॉस्पिटल का मैदान है तो वहाँ पर जो है ना लोग लाकर घोड़े भैंसे बांधते, तो उसकी तरफ से गंदगी हुई थी, तो ये लोग क्या करते हैं पूरी खिड़कियाँ बंद करते, तो इनको वेंटिलेशन का प्रॉब्लम है। ये हम कहाँ फेंकना, ये जो है हम कहाँ फेंकना ऐसा बोल रहे हैं, पोते भर भर के रखे थे, इतना प्रॉब्लम हो रहा है साफ कचरे का, तो हर रोज इनको बोलना बेस्पर का कचरा उठो, राहुल गांधी का उठो, पांगल स्कूल सामने का उठो, जीजा माता पास का उठो, ये कितनी शर्म की बात है साहब। हॉस्पिटल है जीजा माता हॉस्पिटल, आज वहिदा शेख मैडम सोबत आम्ही विजिट केली, हॉस्पिटलच्या संदर्भात काही अडचणी आहेत की बाहेरचे लोक त्यांची घोडे त्यानंतर जनावरे हॉस्पिटलच्या आवारात सोडतात, स्वच्छतेच्या काही विशेष काही अडचणी आहेत, तर या अडचणी आम्ही त्वरित लवकरच त्याच्या दुरुस्ती करून घेण्यासाठी सूचना देऊ। गेट बंद करण्यासंदर्भात आणि व्यवस्थित करण्यासंदर्भात पण प्रशासकीय यंत्रणा आम्ही सूचना देत आहोत, आणि गार्डनच्या संदर्भात सुद्धा काही अडचणी आहेत, तर त्याच्यामध्ये सुद्धा बदल करण्यासाठी थोडं आम्ही त्वरित त्याचं लक्ष घालत आहोत। धन्यवाद। हॉस्पिटल में हम साहब को, पांडे साहब उपायुक्त, उनको विजिट के लिए बुलाए थे, तो साहब ने फौरन हाँ किया और फौरन चलो हम अभी आते हैं आपके साथ, और फौरन आ गए साहब। तो यहाँ पर जीजा माता हॉस्पिटल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर जो डॉक्टर्स और नर्सेस का स्टाफ है बहुत अच्छा है माशाल्लाह, इनके ये लोग पूरी लोगों की खिदमत करते हैं, कम से कम महीने में 80 से 85, कभी कभी इससे भी ज़्यादा डिलीवरी होती हैं। तो यहाँ पर पानी का थोड़ा मसला है, थोड़ा पंखे बंद होते हैं, और थोड़ा हॉस्पिटल के पीछे जानवर घूमते हैं, उनकी गंदगी से पूरी बदबू फैलती है हॉस्पिटल में, सफाई का ख्याल नहीं है, और बाहर भी कचरा वो पड़ा हुआ रहता है, तो ये सब चीज़ें दिखाने के लिए हम साहब को यहाँ पर बुलाए थे। तो लसीकरण हर महीने में, हर फ्राइडे को यहाँ पर लसीकरण होता है, तो यहाँ पर बच्चे जो है ना बहुत आते हैं बेहिसाब, BCG इंजेक्शन लेते हैं, डोज पोलियो पीने के लिए आते हैं, तो गर्दी बहुत होती है, तो वो रश की वजह से औरतों को बैठने के लिए जगह नहीं होती, तो हमने साहब से कहा कि बाहर एक पत्रे का शेड होना चाहिए और सबको बैठने के लिए पत्रे का शेड होना चाहिए, पानी का पीने का इंतज़ाम होना चाहिए, और यहाँ पर हर महीने को नीचे जीजा माता हॉस्पिटल में 9 तारीख को कैंप होता है, वो कैंप में डिलीवरी औरतें जो हैं उनको दवाइयाँ गोलियाँ दी जाती है, टॉनिक वगैरह दिया जाता है, तो बहुत सारी औरतें आती हैं, बहुत गर्दी होती है, उनके साथ में जो नातेवाईक आते हैं उनको बैठने के लिए जगह नहीं होती, तो हमने साहब से यह भी रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पर बाहर एक पत्रे का शेड होना चाहिए और बेंचेस होना चाहिए औरतों को बैठने के लिए, तो साहब ने फौरन हाँ कहा, हम पूरा जो भी प्रॉब्लम है उसको हल करेंगे, साहब ने, पांडे साहब ने वादा किया है हमें, और साथ ही उन्होंने गार्डन की भी विजिट दी है, गार्डन में भी एक बौड़ी है, बौड़ी के वहाँ पर जो फर्शी है नीचे जो सीढ़ियाँ हैं वो खुले हैं, हमने साहब को कहा कि वो सीढ़ियाँ खुले हैं, उसे पैक होना ज़रूरी है, बच्चे वहाँ पर फुटबॉल वॉलीबॉल खेलने के लिए आते हैं, और गलती से कोई खुदा न खास्ता बच्चा अंदर गया तो बहुत मुश्किल होंगी, और यहाँ पर ये एक रूम है, ये वॉचमैन का रूम था, यहाँ पर गंदगी है, तो रूम गिरा कर या तो अच्छा रूम बांधो या उसको पूरा गिरा कर ख़त्म कर दो, और पूरा हमको गार्डन एकदम चकाचक होना चाहिए, और ये कचरा हमें बाहर दिखाई नहीं देना चाहिए, तो साहब ने हमें वादा किया है इंशाल्लाह यहाँ पर बहुत सारी सुधारना होंगी और बहुत सारे अच्छे काम होंगे, और डॉक्टर्स भी अच्छा काम करेंगे, इसी उम्मीद रखते हैं हम।
खूप साऱ्या अडचणी आहेत. आता मॅडमनी सांगितल्याप्रमाणे बऱ्याच अडचणी आहेत. अशा अडचणीमध्ये पण आम्ही मॅक्झिमम सर्व्हिस द्यायचा प्रयत्न करतोय. तर मला आशा आहे की मॅडमनी पांडेसाहेबांना घेऊन आलं तर आम्हाला लवकरच सगळ्या आमच्या अडचणी दूर होतील अशी मी आशा करतो. नमस्कार. आजादी बचाओ न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले. साथ ही साथ लाइक करें और शेयर भी करें.